नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण देखुचंदी आपण प्रिय लाइफ चेंजिंग यूट्यूब चैनल श्रीमद भगवत गीता गीता ज्ञान विषय। आज आम आलोचना करवा चतुर्थ अध्याय 22 नंबर श्लोक ठारु 33 नंबर श्लोक पर्यंत। जदि आपण चैनल नुआ तो तुरंत सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु, जहाँ द्वारा कि जिते भी मुझे नुआ वीडियो अपलोड करी आपण पाखे तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। अधिक रु अधिक लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट्स भक्त निज कमेंट्स दियंतु। जय जगन्नाथ। जे बिना इच्छा रे अपना छाए मिलिथुबा पदार्थ सदा संतुष्ट रहंती, से सर्वथा इच्छा शून्य होइथंती, से हर्ष शोकादि द्वंद्व सर्वदा मुक्त होइ जांती। सिद्धि असिद्धि रे सम रहउथिबा से कर्मयोगी कर्म करि मध्य सेतिरे बांधी होंती नाही, अर्थात से कर्म बंधन रे पड़ंती नाही। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रबिलीयते। जहां को आसक्ति तथा सर्वदा नष्ट हो जाय अछि, जे देहा विमानो ममता रहित हो जाय छंदी, जहां को चित्त निरंतर परमात्मा को ज्ञान रे अवस्थित हो रही छि, केवल यज्ञ संपादन निमित्त कर्म करथिबा से मनुष्य मानकर कर्म सकल कर्म भल भाव रे विलीन हो जाय। ब्रह्मापणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनाम। जे यज्ञ अर्पण अर्थात श्रुवादि उपकरण ब्रह्म उ हवन यज्ञ योग्य द्रव्य मध्य ब्रह्म तथा ब्रह्म रूपक कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपक अग्नि आहुति दान पूर्वक क्रिया मध्य ब्रह्म, सेई ब्रह्म कर्म स्थित योगी द्वारा प्राप्त होता फल मध्य ब्रह्म ही अटे। दैवमेव परियज्ञ योगी न परिपासते ब्रह्माग्ना व परियज्ञ यज्ञ पूजुहते। अन्य केतक योगी देवता मानकर पूजन रूपक यज्ञ ही भल भाव अनुष्ठान करती, एवं अन्य केतक योगी परब्रह्म परमात्मा रूपक अग्नि रे अभीत दर्शन रूपक यज्ञ द्वारा ही आत्म रूपक यज्ञ हवन करती। श्रोतादि इंद्रियाणि न्यान्य संजगा संजमाग्नि सुजुहति शब्दादि विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुहति। अन्य योगी माने सुत कान आदि इंद्रिय मान को संयम रूपक अग्नि मानकर होम करते, एवं आउ केतक योगी शब्द आदि विषय मान को इंद्रिय रूपक अग्नि मानकर होम करते। श्रोत्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहते ज्ञान दीपिते। अन्य योगी माने इंद्रिय मानकर समस्त क्रिया ओ प्राण मानकर समस्त क्रिया ज्ञान द्वारा प्रकाशित आत्म संयोग रूपक अग्नि रे हवन कर दियंती। द्रव यज्ञ स्तपो यज्ञ योगो यज्ञ तथा परि सुधाय ज्ञान यज्ञश्च यतः संस्कृत व्रता। केतक पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते, केतक तपस्या रूपक यज्ञ करते, आउ केतक योग रूपक यज्ञ करते, पुणि अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत युक्त केतक यत्नशील पुरुष सुधाय रूपक ज्ञान यज्ञ करते। अपाने जीवति प्राण प्राणापान तथा परि प्राणापान गतांगरध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे निहताहाराः प्राणन प्राणे सजीवति। सर्वे पैत यज्ञ विदु यज्ञ क्षपित कलमसः। अन्य केतक योगी अपान वायु रे प्राणवायु को हवन करते, सेहीपरि अन्य योगी माने प्राणवायु रे अपान वायु को हवन करते, तथा अन्य केतक नियमित आहार करथिबा प्राणायाम परायण पुरुष प्राण अपान गति रोध करी प्राण मान को प्राण मान कर ही हवन करते। यही समस्त साधक यज्ञ द्वारा पाप नाश कर दियंती, एवं यज्ञ ज्ञाता अटंती। यज्ञ शिष्टामृत भूजो जन्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकस्थ यज्ञस्य कृतन्य कुरुसत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ रु बळिथिबा अमृत सेवन करथिबा योगी माने सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होंदे, किंतु यज्ञ करु नथिबा पुरुष पाई तो यही मनुष्य लोक पाई सुखदायक हो पारे ना, तेणु परलोक करेबा किपरि सुखदायक हो पारिबो। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान सर्वा एवं ज्ञान तो विमोक्ष से। यहीपरि
आहुरी अनेक प्रकार यज्ञ विषय वेदवाणी द्वारा विस्तारित भाव कब मन इंद्रिय और शरीर क्रिया द्वारा संपन्न हुए जान यहीपरि तत्व तो जानी यज्ञ निमित्त कर्म अनुष्ठान कले तुम्हें कर्म बंधन सर्वदा मुक्त हो जीव। जय जगन्नाथ। अपने ये पर्यंत ये वीडियो को सुंदर भाव में देखिथिबारु आगामी वीडियो पाई अपेक्षा करंतु। आज आपन को दिन मंगलमय हो। जय जगन्नाथ।